सभी का कैंडिड मेकर चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने कल देखा था कि हम लोगों ने कल वेल्ट्रॉन का फर्स्ट जो सिलेबस था उसके बारे में हम लोगों ने बेसिक्स कंप्यूटर के बारे में 20 एमसीक्यूज के को डिस्कस किया था। उसमें से कुछ और एमसीक्यूज जो है बच गए हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप लोग हमारे कैंडिड मेकर पे चैनल पे जा करके वहाँ प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ जा करके वन बाय वन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आते हैं वीडियो पे, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन है मार्कोनी, एलम एल ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, जॉन एटनासॉफ। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन एटनासॉफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वाल्व, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। 24 नंबर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? ऑप्शन है पेरिफेरल्स द्वारा, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा या सीपीयू द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा, ठीक है। 25 पे आते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिदम, कैलकुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। 26 पे आते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है डाटा, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है? ऑप्शन है गीगाबाइट में, बीट में, मेगाहर्ट्ज में, सेकंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? ऑप्शन है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मदरबोर्ड। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, सीमॉस, वेज या बसेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बसेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूएसबी पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट या वेब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्लॉट्स। 32 पे आते हैं। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसका ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। इसका ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसका ऑप्शन है MIDI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? ऑप्शन है थियोडोर मेमन, डेनिस पैपिंग, विलियम कर्टन, फ्रांसिस क्रिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थियोडोर मेमन ने। तो फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चन पे आते हैं। DPI दर्शाता है? ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, डिजिटल पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंक, डायग्राम पर इंच। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है OMR, बारकोड, MICR, लाइट पेन। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा OMR। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है? ऑप्शन है LED, फोटो डायोड, प्रकाशीय फिल्म, प्रकाशीय पेन।
ऑप्शन इसका हो जाएगा फोटोडायोड। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, मॉनिटर के गुणवत्ता की पहचान की जाती है, ऑप्शन है डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, या सभी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉट पिच से। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवासित स्याही टोनर, या सभी से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी से। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, या प्रचालन तंत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रचालन तंत्र। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, ऑप्शन है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट क्लिक। 43 क्वेश्चन पे आते हैं, आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा देखना या प्रिंट करना। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों, या कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। 45 पे आते हैं, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। तो इसका सही ऑप्शन होगा जॉयस्टिक। 46 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ड्रम, प्लेन, पॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल कैमरा। 47 पे आते हैं, एक समानांतर पॉट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, भंडारण शक्ति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर। 48 पे आते हैं, कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, ऑप्शन है डॉगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कूपर, रोबर्ट जवाकी। और इसमें इसका सही आंसर होगा डॉगलस एंजलबर्ट। तो फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, OCR का पूर्ण रूप है, ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिडंडेंसिंग, अदर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और लास्ट क्वेश्चन है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है, ऑप्शन है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, दूसरा यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके एक छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस कर सकता है, थर्ड है यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, और अंतिम है यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो इस चैप्टर का जो भी और क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।